दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2020 में भाजपा सारे दाव आजमा रही है। इस चुनावी रण के लिए माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की रणनीति है और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा के भाजपा के नेताओं को दी गई है। हरियाणा के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा भाजपा के प्रभावी रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहाँ के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट सिखाया था। कार्यकर्ताओं का अधिक से अधिक ध्यान मतदाता को मतदान के लिए घरों से बाहर निकालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाने पर रहेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद डेरा डाल रखा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर और राव इंद्रजीत के साथ ही पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, मनीष ग्रोवर और सुभाष बराला दिल्ली के रण में पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। भाजपा के रणनीतिकारों का फोकस बूथ मैनेजमेंट के साथ ही मतदाताओं को घर से बाहर निकालकर मतदान केंद्र तक पहुँचाने पर है। दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, सोनीपत, रेवाड़ी और पानीपत के कार्यकर्ताओं के अगले एक से दो दिनों के भीतर राजधानी पहुंचने का इशारा हो गया है। दिल्ली में जिन पार्टी कार्यकर्ताओं की रिश्तेदारियां हैं उन्हें खास तौर से वहां के चुनाव में बुलाया गया है। सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन के अनुसार हरियाणा के करीब 3 दर्जन बड़े नेता दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री खुद पूरा फीडबैक हासिल कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता वीर कुमार यादव के अनुसार हरियाणा के कार्यकर्ताओं की बदौलत दिल्ली के चुनाव में पार्टी आधी से ज्यादा सीटों पर दम दिखाने की पूरी स्थिति में पहुंच गई है। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।